जैसा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ बोलने से पहले थोड़ी इस त्योहार की झलक देखी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये जो आपने क्लिप देखी, इस क्लिप में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो नवरात्रि का कंसेप्ट है वो एक्चुअली मैंने जो बताया है, जो नरुंग दाई, जो खैरो दाई है, उसका कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट को आज मैं आपके सामने थोड़ा सा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पहुँचा हूँ यवतमाल के वाघापुर एरिया में, जहाँ पर गोंडियन अपनी नरुंग दाई उत्सव को मनाते हैं। नरुंग दाई उत्सव में अभी पंचमी, सप्तमी और नवमी, यानी पाँचवें दिन, सातवें दिन और नौवें दिन, यहाँ पे ढोबरी यानि खापरी नृत्य होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जब मैं पहले गया तो उस पेंटाना को देखा, भीमाल पेंटाना वहाँ पे लिखा गया है, और वहाँ पे रूपोलंग पहांदी पारी गोपाल लिंगो की एक प्रतिमा भी है, और वहाँ पे हमारे भूमकाओं द्वारा और सगाजनों द्वारा एक गोंगो का आयोजन किया गया था। इस गोंगो के आयोजन के साथ ही यहाँ पे ढोबरी नृत्य का आयोजन किया गया था, जिसे खापरी बोला जाता है। एक्चुअली इस खापरी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जो नरुंग दाई यानी खैरो दाई के नौ नीमों के प्रकार है, उसी नीम को यहाँ पे प्रेजेंट करके कड़वा नीम के पत्ते जो हाथ में लेकर एक मिट्टी की कटोरी में आग जलाकर वो नृत्य किया जाता है, जिसे खापरी नृत्य कहते हैं। ये नृत्य भली भांति और बहुत ज़्यादा प्रमाण में नागपुर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर इसकी तिथि देखी जाए तो नवरात्र में या फिर चैत्र महीने में, चैत्र पूर्णिमा को यह खापरी उत्सव बहुत ज़्यादा पैमाने में किया जाता है। एक तो भीमाल पेन की खापरी बोलकर इसे निकाला जाता है, या माता माँ यानी खैरो दाई की भी खापरी बोलकर इसको निकाला जाता है। तो इस उत्सव को देखने के बाद मुझे ये लगा कि देखिए, यहाँ पे हम द्रविड़ियन तो है, हम प्राचीन तो है, लेकिन हमारा जो नृत्य प्रकार है, इससे भी बाकी नृत्य प्रकार भी इंस्पायर हो सकते हैं। ये कल मुझे जाके देखने को मिला। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुषों ने वहाँ पे भाग लिया। बढ़िया से एक वाद्य चल रहा था और उस वाद्य पे ये खापरी नृत्य चल रहा था। एक्चुअली इसको बता दूँ, ये खापरी नृत्य में जो आग जलाई जाती है वो वेस्ट मटेरियल से जलाई जाती है। थोड़ा सा देखिए, अभी फैक्ट्री से तेल आता है तो वही हम कढ़ाई में डालकर खाते हैं, लेकिन इसके 20 साल पहले अपने पिताजी से पूछिए तो आपको बताएंगे कि तेल निकालने के पहले घाने होते थे। तो घाने में क्या होता था कि आप किसी का भी तेल निकालें, आप सोयाबीन का निकालें, आप कपास का निकालें, कुछ भी तेल निकालें, तो जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, जिसे हम ढेप कहते हैं, जो चूरा रह गया है तेल निकलने के बाद, उसे लाकर उसको कटोरी में जलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा देर तक जलता भी है क्योंकि उससे तेल निकला हुआ होता है। तो उसी वेस्ट मटेरियल को जलाकर ऐसे ढोबरी किया जाता है, यानी ऐसे ढोबरी किया जाता है, खापरी उत्सव किया जाता है। तो ये जो खापरी उत्सव है, इससे हम थोड़ा सा और एक लिंक लगा सकते हैं कि ये
जो पंचतत्व बोला जाता है धार्मिक भाषा में, पंचतत्वों को बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी भी साधु संतों के पास जाएंगे तो ये पहली फिलॉसफी यही देगा, आकाश, तेज, हवा, जमीन, पानी वगैरह वगैरह। तो इसी पंचतत्वों को फोकस किया गया उस गोंगो में। मैंने बारीकी से देखा तो 5 खपरी वहाँ पे थी। मैंने गोंगो के आसपास जाके देखा, मैंने गोंगो को अच्छी तरह से जाके देखा, तब ये समझ में आया कि ये तोड़ी अद्दी बड़ी पोकड़ी इस पंच तत्वों को ही, यानी इस 5 ऊर्जा को, एनर्जी को वहाँ पे पूजने की कोशिश हो रही थी। उसी 5 एनर्जी को ही सम्मान देने की कोशिश हो रही थी। इससे एक सीधा हमें मालूम होता है कि नरुंगदाई अभी कौन सा उत्सव मना रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। प्राचीन ट्राइब का इस नरुंगदाई यानी इस नवरात्रि उत्सव से गहरा संबंध है, और इसी संबंध को आज देखिए, आज दुनिया बहुत डेवलप हो गई है, आज हर त्यौहार डेवलप हो गया है, तो हम किसी को नहीं कहेंगे कि आपका त्यौहार झूठा है या हमारा त्यौहार झूठा है। लेकिन नींव, जो किसी भी त्यौहार की विचारधारा पूर्वक जो नींव है, वो यहाँ के ट्राइबल कल्चर ने ही रखी है, इसका ये एक प्रमाण है। तो वाघापुर में, यानी यवतमाल के वाघापुर में गोंडियन जो नरुंगदाई की सेवा कर रहे हैं, सेवा गोंगो हुआ था, और कोयागिरी तक ये सीधा चलते जाता है। तो वाघापुर के सभी समस्त सगाजनों को और सभी मातृपितृ शक्तियों को बहुत बहुत सेवा जोहार। आपने इस प्राचीन प्रथा को, अपने इस प्राचीन रूढ़ी प्रथा को यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट किया, ताकि हम लोग, हम जैसे युवा इस प्रथा को, इस उत्सव को देखकर हम सीख पा रहे हैं। तो इसके लिए सभी का सेवा जोहार। और आपको क्या सीखने को मिलता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपने अगर मेरा किताब डाउनलोड नहीं किया तो किताब का नाम है भारतीय सभ्यता कौन सी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF में किताब मिल जाएगा, जाइए और उसको परचेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय दिवसी, जय गुरु नानक, जय फिर।